मेरे सामने तो विकल्प था कि या तो अंबेडकरवादी विचारधारा चलाओ या मंत्री रहो। मैंने कहा मैं विचारधारा के लिए जिया हूँ, जिनमें मेरा दिल बसता है वो सालों साल चुप्पी साधे रखती है, फिर अचानक से बोलती है, वो खुद ही खत्म कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना तो राष्ट्रीय पार्टी से अच्छा कोई विकल्प है नहीं। फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार और मानवर कांसीराम साहब ने नेता जो है उनके जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में भी बंद हैं, और अभी अभी राजेंद्र पाल गौतम जो कि उनमें मंत्री भी रह चुके हैं उनकी सरकार में, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। सर क्या कहना चाहेंगे, 10 सालों के बाद आपने पार्टी छोड़ दी? छोड़ने का कारण है, ऐसा नहीं है कोई पार्टी आसानी छोड़ी जाती है, बड़ा दिल को दर्द होता है। और मैंने अपनी पार्टी में रहते हुए हमेशा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी है, हमेशा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इस बात को रखा है कि आप संगठन में भी और हर जगह SC ST OBC माइनॉरिटी को हिस्सेदारी भागीदारी दो। लेकिन मुझे नहीं पता कारण क्या है, लेकिन वो उन्हें हिस्सेदारी भागीदारी देने को तैयार नहीं है, शायद इस काबिल नहीं मानते। उनके वोट से सत्ता में है दिल्ली में भी पंजाब में भी, लेकिन 13 सांसद आज तक राज्यसभा भेजे, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं भेजा। तो फिर किस मतलब जब विचारधारा ही नहीं मेल खा रही तो कितने दिन जबरदस्ती इस गाड़ी को खींचेंगे हम समाज। अगर दूसरा, जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जिस हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई को जी फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार और मानवर कांसीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लड़ाई लड़ी, और मैंने भी अपने 56 साल में की उम्र में 43 साल इस लड़ाई इसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है जी। आज मैं क्या कुर्सी के लिए उस विचारधारा को छोड़ दूँ? अगर मेरी पार्टी कन्विंस मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, उस मुद्दे पे उनको मैं नहीं तैयार कर पा रहा हूँ कि वो सामाजिक न्याय को माने, हमें हिस्सेदारी भागीदारी दे, तो फिर जबरदस्ती क्यों मैं साथ में रहूँ? सर सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है, और भी कई तमाम पार्टियाँ हैं जिनका आधार ही सामाजिक न्याय है, आप वहाँ नहीं गए और कांग्रेस गए हैं। देखिए ये अब राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई को लड़ना है, ये कोई रीजनल स्तर पर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सामाजिक न्याय की लड़ाई को, और ये जो नफरत का वातावरण है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के साथ माइनॉरिटीज के साथ, जाति पूछ के धर्म पूछ के जो हत्या होती है या उत्पीड़न होता है, जैसा आपने ट्रेन में देखा होगा एक मुस्लिम बुजुर्ग से किस तरह बदतमीजी की जा रही है, तो ऐसा मुद्दे जब होते हैं तो उस पर कुछ पार्टी चुप्पी क्यों साधे रखती है? न्याय के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना तो राष्ट्रीय पार्टी से अच्छा कोई विकल्प है नहीं। और दूसरा, जो हमारी अपनी पार्टियां हैं जिनमें मेरा दिल बसता है वो सालों साल चुप्पी साधे रखती है, फिर अचानक से बोलती है, वो खुद ही ख़त्म कर रहे हैं मिशन को, तो क्या करें? सर चुनाव के पहले जब कोई भी नेता पार्टी छोड़ते हैं तो आम जनता के मन में यही संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं टिकट की लड़ाई होगी, उस तरह से उन्हें जो है कोई पद नहीं मिल रहा है तो इस कारण जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आम जनता यही सोचती है। देखिए मुझे कोई पद कभी महत्वपूर्ण नहीं लगता, मुझे जिम्मेदारी महत्वपूर्ण लगती है। अगर पद से लालच होता, पद से चिपकने की बात होती तो फिर मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा का प्रोग्राम आयोजित ना करता, मैं रिजाइन भी नहीं करता। मेरे सामने तो विकल्प था कि या तो अंबेडकरवादी विचारधारा चलाओ या मंत्री रहो। मैंने कहा मैं विचारधारा के लिए जिया हूँ, विचारधारा के लिए मरूंगा, मैंने मंत्री पद त्याग दिया। तो ये जो आपने सवाल पूछा ये तो सवाल तर्कसंगत ही नहीं है, SC ST ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। SC ST के मुद्दे पे कांग्रेस ने भी जो उपवर्गीकरण का जो अभी फैसला आया था, कांग्रेस ने कोई साफ स्टैंड उस पर नहीं लिया। देखिए अभी पहली बात तो जजमेंट लागू नहीं हो सकती जी, इसलिए नहीं हो सकती कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट 565 पेज का, मैंने पूरा पढ़ने के बाद फेसबुक पर पूरा डिटेल उसकी व्याख्या की है। जब तक इंपेरिकल डाटा नहीं होगा जजमेंट लागू नहीं हो सकता। ये जजमेंट समाज को लड़वाने वाला है, बांटने वाला है। उस जजमेंट में सामाजिक न्याय नहीं है बल्कि उसको बांटने की बात है, क्योंकि 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट जहाँ हजारों हजार लोग भर्ती होते थे वो तो पूरा आउटसोर्स कर दिया, उसमें तो भर्ती बैन हो चुकी है, ठीक है ना। और बाकी में भी ठेके पे भर्ती हो रही है, लेटरल एंट्री आ रही है, आज सारी पार्टी लेटरल एंट्री पे प्रदर्शन कर रही है, बात कर रही थी। हमने तो मिशन जय भीम के माध्यम से 16 फरवरी 2021 को जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था लेटरल एंट्री के खिलाफ। तो इससे मेरी फोरसाइटेडनेस देखिए कि वो मुद्दे हम जिसको हम 3.5 साल पहले उठा रहे हैं बाकी लोग उसको आज उठा रहे हैं, वो लड़ाई हमारी प्राथमिकता की लड़ाई है, उसको तो हम लड़ेंगे, उसी के लिए हम लोग कांग्रेस को ज्वाइन किया है, दूसरा कोई कारण नहीं है। चलिए ठीक है।